रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में स्थित रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का शुक्रवार को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं से अवगत होते हुए कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने मेस में बने भोजन को खुद खाकर चेक किया और आरक्षियों को मिलने वाले नाश्ते का भी स्वाद लिया। एसएसपी ने महिला आरक्षियों के बैरक की भी चेकिंग की और व्यवस्था से काफ़ी संतुष्ट दिखे। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने परिसर में पड़े खाली जमीन पर वृक्षारोपण करने तथा बैरकों में एग्जॉस्ट फैन लगाने के भी निर्देश दिए। इसके पहले अपने कप्तान के आगमन की खबर पर उनके स्वागत के महिला आरक्षियों ने पूरे ट्रेनिंग सेंटर को पेंटिंग व गुब्बारों से सजा कर रखा था। आरटीसी की व्यवस्था से एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता काफ़ी संतुष्ट दिखे और महिला आरक्षियों से बात करके उनका हौसला अफजाई किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक उमेश कुमार दुबे, आरटीसी प्रभारी अजय कुमार मौर्य, मेजर राकेश कुमार साहनी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, बांटते हैं अपनी टीचर खाना ही चलता है कि इस पर बैठ के खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ अपना ले जाते हैं। तो भाई ये आदमी कैसे बन गया, ये आज का मेनू है? अच्छा, ये सुबह का जो है तो ये यहाँ रखिए ना, उससे सुबह का ही है जी सर, ये दोपहर का। तो अभी यहाँ सुरक्षा के लिए ड्यूटी नहीं है सर, महिलाएं हैं सर यहाँ। सफाई तो ठीक है, बेहतर है, इससे ज़्यादा और क्या होगी, इतने सारे लोग रह रहे हैं जो। खबर खबर आप लोगों की ड्यूटी है आज इधर ही ये चार लेडीज तो अपने पास वजन नहीं गए, कह रहा हूँ तीनों से तीन चार को रखना चाहिए। दो नहीं, मेरे हिसाब से आप रोटेशन में रुकेंगे तो कितना नंबर आएगा, पांच आदमियों का नंबर मतलब 50 दिन में आएगा। बता बेटा कोई दिक्कत है? नो शॉक। कुछ और सुधार कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं चीज़ों को तो बताओ। मेरी समझ से आप में से कुछ आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे, इनको पेंट कीजिए जैसे वो रखा हुआ, वो वहाँ पर लिखें और पुलिस से संबंधित कोटेशन अनुशासन से संबंधित है ना, लिखना आता है किसी को? ऑयल पेंट इनको बुलवाएँ उनके बजट से, ठीक है? और पेंटिंग कौन कर लेता है, चित्रकारी कर लेता है कोई? महाराणा प्रताप कोई बना लेगा आप में से? महाराणा प्रताप बना लोगी? और शिवाजी तो ऐसी तो टैलेंट पता चलता है बच्चों का। तो
होगा, उसमें लिखा होगा दीवारें आपकी सुंदर लगने लगेंगी। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, तो और ज़्यादा साफ करेंगे, हालांकि इसमें कम लोग हैं इसलिए ज़्यादा साफ। बेटा कोई दिक्कत है आप लोगों को? नो सर। कोई सुझाव जिससे हम आपकी और अच्छी कर सकें ट्रेनिंग, सोच के बताना। कोई नहीं, मैं आता रहता हूँ, कल फिर आऊँगा। अभी शीशे तो यहीं लगे होने चाहिए, जब निकले आदमी तब ऊपर भी बैठे पीछे पीछे। अच्छा पीछे और कितनी स्पेशल नोट बनाइए, उसमें चारों तरफ अशोक लगा है, तो आपको दो चार साल में जो है वो जी। गोरखपुर में रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर है, आपको पता है इसमें महिला आरक्षी हैं, लगभग 250 से ज़्यादा महिला आरक्षी रह रही हैं। इनका आज एक फॉर्मल टाइप का इंस्पेक्शन रखा था, जिससे इनकी सुख सुविधाओं को भी देख सकें और इनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है इस बारे में देखा जा सके। इनका रख रखाव, इनका स्टोर, इनके मनोरंजन की व्यवस्था, साथ ही साथ इनको क्या खाने में मिल रहा है उसकी भी औचक निरीक्षण किया। खाना को खाने को भी टेस्ट करके देखा गया। और छात्राओं से जो RTC हमारी महिला आरक्षी हैं ट्रेनी, उनसे भी बातचीत करके देखा गया। और सभी कुछ यहाँ संतोषजनक और बल्कि बेहतर ही लग रहा है। और अभी बच्चों से और बात हो रही है, और भी जो सुधार की गुंजाइश है, इनको ट्रेनिंग और अच्छी से अच्छी देने की कोशिश की जा रही है। हाँ, जैसे आपको लग दिख ही रहा है इस समय मौसम बहुत ख़राब है, हालांकि इनको कूलर प्रोवाइड किए गए हैं, कूलर भी है, पंखे भी हैं, बट मौसम में उमस और गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाती जब हीट हो जाती, तो उसको देखते हुए मैंने कहा है कि एग्जॉस्ट फैंस की व्यवस्था करेंगे हम, हर बैरक में कम से कम एक एग्जॉस्ट भी हो, जिससे कि और एयर फ्रेश रह सके।